हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री की पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है नेम रिएजेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो नेम रिएजेंट से रिलेटेड मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं इसमें पूरा आपका सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हम लोग रिएजेंट के बारे में केवल बात करेंगे। और उसके बाद जो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कहीं आपको कुछ और समझना है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, ठीक है, और ये मैं टू लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। और फर्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे और फिर इसमें भी कुछ जो है सिंपल से जो है हार्ड एग्जाम्पल तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो इसका अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड अगर देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है जो नेम कह सकते हैं नेम रिएजेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड टू टाइप से हम कह सकते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जनरली जो होता है वो हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर, ठीक है। तो ड्राई ईथर में अगर बात करें तो डाई इथाइल ईथर यानी ET2O को ज़्यादा से जनरली यूज़ किया जाता है। तो जनरली आपको ET2O ही रिएक्शन में मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ, या ड्राई ईथर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका RMGX का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप भी लिख सकते हो, और X मतलब क्या होगा आपका हैलोजन है, तो आप फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अब उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका है कि या फिर आप अल्काइल लिथियम से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अल्काइल लिथियम को अगर हम क्या करते हैं मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं यानी MgX2 को, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका सॉल्वेंट चेंज करना होगा, ठीक है। मीडियम यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। क्या होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होगा। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आप लेंगे तो उसके प्रेजेंस में, अब जानते हो कि यहाँ पर क्या हो गया माइनस होगा और ये क्या होगा आपका प्लस होगा। अब ये क्या करेगा MG पर अटैक कर देगा, जिससे एक X यहाँ से निकल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा RMG और X हो जाएगा, और इसके बाद जो है LI जो होगा वो X से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा LI X का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ये भी क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वर्क क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में तो ये जो होते हैं इसका जो वर्क है ये नॉर्मली जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब क्यों क्यों कर देखो, आपका RMG है और उसके बाद क्या है X है। तो यहाँ पर MG है और MG क्या है आपका मेटल है और ये क्या है आपका कार्बन है, यानी एल्काइल होगा। जैसे मान लीजिए आप CH3 ले लेंगे तो कार्बन ही होगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और मैग्नीशियम में क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर R- और MG क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा। तो ये जो माइनस है, ठीक है, तो R माइनस क्या होगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसा होता है वो? हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। कैसा होगा ये? हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है तो भी आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अगर एडिशन कर रहा है तभी ये क्या होगा डायरेक्ट एडिशन देगा, ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्ट एडिशन देगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्काइल एंड मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये डायरेक्ट एडिशन या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देगा, ठीक है। अब यहाँ अब आगे बात करते हैं कि अगर बाय द वे कंडीशन ऐसा नहीं है कि उसमें एडिशन नहीं हो सकता है तो कब क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो ये बिहेव करेगा बेस की तरह, ठीक है, इट बिहेव एज लाइक ए बेस व्हेन, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोई कंपाउंड मिल रहा है जिसके पास क्या हो हाइड्रोजन हो, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन अगर है, एसिडिक हाइड्रोजन अगर कंटेनिंग कोई कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, कंटेनिंग अगर कंपाउंड ले रहे हैं तो, ठीक है, तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ले रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करेगा ये बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है आपका R है, C2O है और O और H है। तो अगर आप यहाँ पे RMGX ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये जा करके यहाँ पे अटैक कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपका
एसिडिक है, अभी एसिडिक होगा तो अब ये क्या करेगा, एसिड बेस भी है, एसिड बेस रिएक्शन देगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम जेरी विटन ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, जेरी विटन ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जेरी विटन ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करता है, ये आपको प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्सट्रैक्ट करेगा और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बनाएगा आपका, एल्केन का फॉर्मेशन बनाएगा करेगा। तो यहाँ पर होगा सी डबल ओ माइनस हो जाएगा और एमजी क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ कन्वर्जन की, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या है, तो कन्वर्जन में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। तो ये जनरली हम जानते हैं, ये क्लास 12th में ही आप पढ़े होंगे। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो, ठीक है, और अगर ग्रिगनार रिएजेंट से आप आर एम जी एक्स से रिएक्शन करा रहे हो, तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे हमारे पास है एच है, सी डबल ओ है, और उसके बाद क्या है, एच है, ठीक है। अब यहाँ पे आर एम जी एक्स के साथ, यानी सी एच थ्री है, ए एम जी है, और उसके बाद क्या है आपका, सी एल है, और यहाँ से अटैक करा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पोलर बॉन्ड है, यानी ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, मोर है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी एच थ्री अटैक किया, तो यहाँ एच हो गया और सी हो गया, और यहाँ एच हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, सी एच थ्री, और ये हो गया वो निगेटिव, और ई एम जी क्या होगा, प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ई एम जी सी एल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, इसको क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा, ओ एच माइनस जो होगा, अब वो या तो वाटर आप ले सकते हो, क्या करेगा, ये एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और ओ एम जी ओ एच क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ई एम जी ओ एच, और हो जाएगा आपका सी एल, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए सी एच थ्री हुआ, ये सी एच थ्री हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं ये सी एच टू है, तो यहाँ पर हो गया आपका सी एच टू, और ये ओ माइनस है, और एच प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ओ एच। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अगर इसी टाइप से आप एल्डिहाइड ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, एल्डिहाइड ले रहे हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड को अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आर ई एम जी एक्स से रिएक्ट कराते हैं, तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। आप इसको रिएक्शन को करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और इसी टाइप से अगर हम बात करें कीटोन, तो कीटोन से आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक। अब उसके बाद अगर आप एस्टर लेते हो, क्या लेते हो आप, एस्टर लेते हो, ठीक है। तो एस्टर से क्या मिलेगा आपको, एस्टर से आपको 3 डिग्री एल्कोहल ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एस्टर से क्या मिलेगा आपको, 3 डिग्री एल्कोहल ही मिलने वाला है। अभी आगे हम एग्जाम्पल इसको देखते हैं। और अगर मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम क्या करते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आर एम जी एक्स से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, कि अगर आप नाइट्राइल ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, नाइट्राइल ले रहे हो, तो ये भी क्या करेगा आपका, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा आपका, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जो मेन रिएक्शंस हैं, यूजेस हैं। तो ये जनरली हम 11th 12th में हम पढ़ते आ रहे थे, इतना तो हम पढ़े होंगे। अब ये तो हमें पढ़ने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इस अब देखिए आर एम जी एक्स, ठीक है। तो आर एम जी एक्स जो है उसका अगर देखें रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यह बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी SN2 रिएक्शन के थोड़े प्रोसीड करता है, और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या करेगा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा, ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये क्या है आपका, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। क्या है आपका, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद जो है यहाँ पर कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट एडिशन होगा, यानी 1:2 एडिशन होगा। क्या होगा आपका, 1:2, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, हार्ड होगा। हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्यों हो रहा है, तो मैंने उसके लिए बताया कि यहाँ पे आर एम जी एक्स में देखें तो आर के जो इलेक्ट्रोनिविटी और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिविटी क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब मेन टॉपिक यहाँ से चालू करता है। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है आपका, रिएक्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे।
और हमने ले लिया यहाँ पर CS3 ले लिया, या ले लीजिए ETMGBR, कोई ले लेंगे, ETMGBR ले लिए, और ET2O, तो ये तो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब ETMGBR यानी इथाइल क्या करेगा, अब अटैक करेगा, तो मैंने कहा ये डायरेक्ट एडिशन करेगा। डायरेक्ट मतलब क्या है, आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ये माइकल एडिशन नहीं दे सकता, देगा क्यों, क्योंकि ये हार्ड है, ध्यान में रखेंगे। माइकल एडिशन में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर जाता है और ये ओपन हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ये डायरेक्ट एडिशन देगा, तो ध्यान में ये यही रखना है, ये मेन पॉइंट है हमारा। तो ये जो होगा ये पोलर बॉन्ड है, ये माइनस होगा और ये क्या है आपका प्लस होगा, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल की वजह से आप क्या करेगा, ये डायरेक्ट एडिशन देगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि CO के पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डालेगा, डोनेट करेगा, तो उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा, EMG हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा आपका BR हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ET आ जाएगा, ठीक है, इथाइल आ गया। अब उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर वर्कअप, या वर्कअप भी होता है अगर एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, देता नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाला रिएक्शन आपको खुद करना पड़ता है, तो वर्कअप करा करके आप रिएक्शन करा सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका ET हो जाएगा, और ये हो जाएगा O, और H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो OH हो जाएगा, और प्लस EMG जो होगा वो क्या करेगा, OH को एक्सेप्ट करके OH हो जाएगा और BR हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए हमने लिया था एस्टर, ठीक है, तो एस्टर में अगर देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 है, C" O है, और O ले लिए, और यहाँ पर हमने ET ले लिया, ठीक है, तो इथाइल एसीटेट ले लिए, ठीक है, तो इथाइल एसीटेट को अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ET2O ले लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गया, और सेकंड कंडीशन में हमने क्या लिया, EH+ ले लिया और H2O ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस क्या होगा, अटैक करेगा यहाँ से, और अटैक करेगा ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पर C" O हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका PH आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कीटोन पहले फॉर्म होगा, लेकिन फिर भी रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, तो ये क्या होगा, PH EMG BR जो होगा वो फिर से आप रिएक्ट करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया आपका CH3, और CO माइनस हो जाएगा, और ये हो गया आपका PH, और फिर एक आएगा और PH, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा EMG, और हो गया आपका BR। वाटर लेना है, H3O H+ लेना है, और H2O लेना है, तो या तो ऐसे समझेंगे H2O ऐसे ले लेना है, H हो जाएगा और OH होगा, आप जानते हैं H+ है OH- है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट ऐसे अटैक करा देना है, तो ये OH हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, या तो डायरेक्ट ऐसे आप लर्न कर सकते हो, समझ सकते हैं, तो C है और PH होगा, और PH होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, EMG हो जाएगा और OH एंड BR हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अगर हम बात करें, ये फर्स्ट एग्जांपल था और सेकंड हो गया, अब आपका थर्ड एग्जांपल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल में हमने नाइट्राइल ले लिया, जैसे मान लिया हमने हमने ले लिया C6 है और H5 है, और फिर C है, और ट्रिपल बॉन्ड क्या है आपका, EN है, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिया है फर्स्ट कंडीशन में, सपोज करते हैं हमारे पास CH3 है, EMG है और BR है, और यहाँ पर ईथर दिया हुआ है, डाइथाइल ईथर है, और उसके बाद सेकंड कंडीशन आपका है H+ है और H2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जानते हैं कि ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं बॉन्ड पोलर होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी मोर होगी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस होगा, तो ये अब यहाँ पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका C6 होगा, EH5 हो जाएगा, और C हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा EN, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं EMG BR यहाँ आ जाएगा, EMG हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका BR हो जाएगा, और ये हो गया आपका CH3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका सी, अब उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो फिर से क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका EH+ है और सेकंड कंडीशन आपका EH2 है, तब ये क्या करेगा, ये EH+ का एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर मिल जाएगा आपका EMG और OH हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका BR निकल जाएगा, और यहाँ हो गया आपका C6H5, और फिर हो गया आपका CH3 और C" EN हो गया और EH हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर भी रिएक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए आपका वाटर आपने लिया है, तो वाटर अब क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, तो वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका ब्रेक होगा, ठीक है, तो अब ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या है आपका C6 होगा और H5 है, और यहाँ पर है आपका CH3 है, और यहाँ जाएगा वो, और H है, और क्या है आपका H है, और यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव है, और
और यहाँ पे क्या हो गया NH। अब ये क्या करेगा, निगेटिव आएगा और ये प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्सट्रैक कर लेगा। ठीक है, अब्सट्रैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका C6 होगा और H5 होगा, और यहाँ पे बात करें तो ये हो गया आपका CH3 और यहाँ हो गया आपका OH और यहाँ NH है, तो क्या करेगा प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो NH2 हो जाएगा। अब NH2 होगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके पास क्या है आपका लोन पेयर है, अभी यहाँ जाएगा और इसका जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन का जो, या तो यहाँ ले सकते हैं नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, ठीक है यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से लोन पेयर क्या करेगा इसको अब्सट्रैक कर लेगा और ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो C6H5 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो गया, और ये जो है आपका देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पर हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, और ये प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट करके क्या बनेगा अमोनिया यानी NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ पे बात कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका कीटोन मिल गया, क्या मिल गया आपको कीटोन मिल गया। ठीक है, या तो आप ऐसे भी ले सकते हो C6 है H5 है और सी डबल बॉन्ड ओ हो गया और उसके बाद क्या हो गया आपका CH3 हो गया। ठीक है, तो ये कीटोन मिल जाएगा। ठीक, हालांकि इसके मैकेनिज्म जो है कहीं कहीं और कुछ दूसरे टाइप से दिया हो, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से क्या है कहीं कहीं मैकेनिज्म में दिया है कि एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा पहले। ठीक है, तो दोनों मैकेनिज्म ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर आप बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे हमारे पास जो है यहाँ पर देखेंगे ये सिस्टम दिया हुआ है यानी रिएक्टेंट दिया है, यहाँ पर है वो CH3 है और यहाँ पर भी है आपका O और उसके बाद क्या है आपका CH3 है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है कंडीशन जो दिया हुआ है आपका CH3 है और EMG दिया है और उसके बाद BR दिया है और ET2O, बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब जानते हैं कि अब देखिए अब यहाँ से हमें सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, तो यहाँ का जो लोन पेयर है देखिए, अब यहाँ पर का सॉरी यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, तो सी डबल बॉन्ड ओ का पाई एस्ट्रिक जो होगा यानी एंटी बॉन्डिंग होगा वो पाई एस्ट्रिक यहाँ पे होगा, तो ये CH3 क्या करेगा, आप CH3 न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसी में तो इलेक्ट्रॉन पीछे से अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर वो हो जाएगा और उसके बाद EMG हो गया, उसके बाद क्या हो गया BR हो गया और उसके बाद दिया हुआ है आपका उसके बाद क्या है आपका CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका वो है और CH3 दिया हुआ है, तो और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एबव द प्लेन रहेगा, तो यहाँ पर एबव द प्लेन था वो CH3। ठीक है, अब वर्कअप करा देंगे तो यहाँ पर वर्कअप करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ओ एच हो जाएगा, EMG वहाँ से निकल जाएगा, या आप एसी जो मैंने कहा एच प्लस और एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका ओ एच हो जाएगा और हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो वो हो गया CH3 और यहाँ पे हो जाएगा एबव द प्लेन क्या हो जाएगा आपका वो CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पे। अब और एक एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। ठीक है, फोर यानी फिफ्थ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्टेंट सपोज करते हैं, ऐसा दिया हुआ यहाँ पे वो है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे दिया है ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे क्या है आपका CH3। ठीक है, और यहाँ पे दिया है एक्सियल पर दिया CH3 सॉरी एच, और इक्वेटोरियल पर यहाँ पर दिया है आपका CH3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर जो है कंडीशन दिया हुआ था PH EMG और उसके बाद क्या है आपका BR, तो अब अटैक कहाँ पे करेगा, तो यहाँ तो कहीं अटैक करने लायक तो है नहीं, तो अटैक कहाँ करेगा सी डबल बॉन्ड ओ के पाई एस्ट्रिक में, तो पाई एस्ट्रिक में अटैक करेगा यहाँ पे और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ एक्सियल पे एच था और इक्वेटोरियल पे क्या था आपका CH3 था और यहाँ ये हो गया। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें सपोज करते हैं कि PH3 क्या है आपका एबव द प्लेन से अटैक कर रहा है, तो ये सॉरी PH जो है वो अगर एबव द प्लेन से अटैक कर रहा है तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री वो हो जाएगा, तो OH कहाँ जाएगा बिलो चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं वो जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा बिलो द प्लेन और EMG BR हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है EMG BR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ था कि ये कंडीशन सेकंड नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे वर्कअप करा देंगे, तो वर्कअप आप कराएंगे यानी H+ एंड H2O से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा वो एल्कोहल में
कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको समझते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा वो, ये हो गया, और यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा ये एच, और ये हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका PH, और ये क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट को समझते हैं। तो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं और कुछ सेलेक्टिव जो रिएक्शंस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर फिर भी इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम है या कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी सी राइटिंग जो है यहाँ पे सेट नहीं हो पा रही है, अभी हैंड थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो धीरे धीरे राइटिंग में सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।